दैट आई एम अ फ्रेंड ऑफ मुनव्वर फारूकी एंड आई नो हिम फ्रॉम लास्ट 3 or 4 years. लग रहा है बिकॉज आई हैव वर्क विद मुनव्वर, मुझे पता है वो कैसा इंसान है, वो एक बहुत अच्छा है. दोस्तों वेलकम बैक टू माय वीडियो. तो बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गया हूँ. जैसा कि आप जानते हैं मुनव्वर फारूकी की लड़कियां, जो लड़कियां दोस्त हैं वो क्या कह रही हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में. जब से आपने कल परसों का एपिसोड देखा होगा कि विक्की भैया और सामर्थ ने उन पर कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे कि बोले कि मैं इससे सूर्या को दूर रखूंगा, विक्की भैया ने बोला था, और सामर्थ ने बोला तो मैं ईसा को इससे दूर रखूंगा, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे. तो गाइज मैं ऐसी वीडियो लेके आ गया हूँ जो उनकी दोस्त हैं, लड़की हैं, वो क्या बोलती है मुनव्वर फारूकी के बारे में, क्या उन्होंने बताया. तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मुनव्वर फारूकी के लिए और बिग बॉस के लिए मैं वीडियो लाते रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना. तो ये लड़कियाँ क्या कहती हैं इसको सुनिए. सो हाई गाइज, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी लोग. और मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देने आई हूँ दैट आई एम अ फ्रेंड ऑफ मुनव्वर फारूकी एंड आई नो हिम फ्रॉम लास्ट 3 or 4 years. एंड आई एज अ फीमेल आई नेवर फील अनसेफ और अनकम्फर्टेबल अराउंड हिम. ही ऑलवेज डू रिस्पेक्ट, राइट. एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज शोज, अ लॉट ऑफ शोज इन लॉट ऑफ डिफरेंट सिटीज. एंड मैंने उनको देखा है फीमेल के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करते हुए, एंड कभी भी किसी ने भी अनसेफ या ऐसा कभी फील नहीं करा, राइट. सो आई एम सपोर्टिंग मुनव्वर फारूकी ओपनली एज अ फीमेल. आई एम सपोर्टिंग मुनव्वर फारूकी. आई नेवर फील अनसेफ अराउंड हिम एंड वो. हे गाइस, तो आपने कल का एपिसोड देखा होगा एंड आपको पता होगा कि बिग बॉस हाउस में क्या चल रहा है एंड चीजें कितनी ज्यादा अगली हो गई हैं, कितने गंदे तरीके से सब बोला जा रहा है. एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज आई हैव वर्क विद मुनव्वर, मुझे पता है वो कैसा इंसान है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है एंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो ये जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है मुझे लगता है एंड इट्स टू पर्सनल. सो आई डोंट स्टैंड बाय दिस. आई एम स्टैंडिंग विद मुनव्वर. सो आई एम डेफिनेटली गोना वोट फॉर मुनव्वर ओनली. तो भाई जैसा कि देखा आपने इन्होंने क्या बोला मुनव्वर फारूकी के बारे में, चाहती तो ये लोग भी लाइमलाइट में आ सकती थी. इन्होंने बोला कि एक इज्जत तो दायरे में रहेगा मुनव्वर फारूकी, लड़कियों से बात करते हैं, लेकिन ये लोग चाहती तो उसको, जैसे आयशा खान ने किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया बोली, और वो कुछ भी बोल के उसको कुछ भी फैला रही है, हेट फैला रही है, इल्ज़ाम लगा रही है. तो चाहती तो ये भी सब इल्ज़ाम लगा के लाइमलाइट में आ सकती थी, बट ऐसा नहीं, जो सच है वो बताया इन्होंने. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह मैं अपडेट लाता रहता हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.